हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस के एरर्स लेके आए हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस के एरर लेके आएंगे। ये कुछ एरर हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं या फिर कोई भी कॉमन एरर वाला टॉपिक आ जाए, जैसे अभी लिटरेचर का 12th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आने वाला है, उसमें टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का एग्जामिनर करेगा, हर साल करता है, चाहे PSL के पेपर उठा के देख लेना, एक से ज़्यादा चाहे कर ले, एक तो करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। तो हम हाजिर है क्या लेकर, कॉमन एरर्स किसके अंदर, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर। रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर हम कॉमन एरर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द मैन हू दे थॉट टू बी गुड इज अरूज्ड। तो मैन हु था, यहाँ पे हु नहीं आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज रिलेशन किसकी फॉलो हो रही है, हुम की फॉलो हो रही है। यहाँ पे इंसान से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड नाउन पर नाउन है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हु की जगह पे क्या आएगा, हुम आएगा। हु की जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट्स हुम आएगा, हु नहीं आएगा। हु की जगह पे यहाँ पे हुम सही है, हु गलत है। आगे दिस इज द सेकंड एग्जांपल देखेंगे। दिस इज द बेस्ट सजेशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन विच यू हैव गिवन। देखो विच की कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है, यहाँ पे सजेशन नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो विच की कंडीशन तो पूरी हो रही है, बट इसमें क्या आ गया, वन ऑफ द बेस्ट जो कि दैट को फॉलो करता है, वन ऑफ द बेस्ट सजेशन। इसमें हम कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री भी आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे विच ने आकर, विच नहीं आएगा स्टूडेंट्स, विच की जगह पर विच नहीं आएगा, विच की जगह पर दैट आएगा, विच नहीं आएगा, विच की जगह पर दैट आएगा, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। देन थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे द स्टूडेंट्स विच फेल। स्टूडेंट्स आता है ह्यूमन की कैटेगरी के अंदर, विच किसके साथ आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो यहाँ पे हमने पकड़ लिया, बट ह्यूमन के लिए भी तीन है, तो हम किसमें से लगाएंगे, हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वर्ड क्या है। एंटीसीडेंट में स्टूडेंट्स दे रखा है, स्टूडेंट्स ह्यूमन से रिलेटेड है, मीन्स एंटीसीडेंट जो फ्रेज से पहले है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, और उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो किसकी कंडीशन को फॉलो करना है, यहाँ पे हु की कंडीशन को। हु में पहले एंटीसीडेंट है, वो क्या होता है, ह्यूमन से रिलेटेड होता है, और बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है। उसके बाद में देयर इज नो मैन हु नोज, देयर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, देयर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे देयर इज नो मैन, तो नो मैन किसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, नो मैन आता है डिटरमिनर के अंदर, नो एक डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर है, डिटरमिनर के होते ही हु नहीं आएगा, दैट आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने दैट के रूल्स में ये किया था, और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट को लेकर आता है कॉमन एरर्स के अंदर जब कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं। द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट वेल इज माई फ्रेंड, कंडीशन हु की पूरी हो रही है, कंडीशन हु की पूरी हो रही है, एंटीसीडेंट में पर्सन दे रखा है, बाद में कैन मोरल दे रखा है, तो हु की कंडीशन पूरी हो रही है, बट यहाँ पे हु नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ओनली ओनली इज ऑल्सो ए डिटरमिनर, ओनली इज ऑल्सो ए डिटरमिनर, तो यहाँ पे हु की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, हु की जगह यहाँ पे दैट आ जाएगा, तो यहाँ पे हु एरर है, यहाँ पे दैट आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम देखेंगे द टेररिस्ट विच वॉज चेंज गैम्बल्ड एट DSP, तो अपने क्या कर लें, विच देखोगे विच तो आता है नॉन लिविंग के लिए, बट टेररिस्ट क्या है, एक आतंकवादी ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड है, ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड है, और बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो विच की जगह पे हु आएगा, विच की जगह पर हु आ जाएगा। शी इज द पर्सन हु आई थिंक गुड एट द जॉब, तो हु नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हु के बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे एंटीसीडेंट है, वो पर्सन है, पर बाद में सब्जेक्ट है, तो ये किसके रूल को फॉलो कर रहा है, हुम के रूल को फॉलो कर रहा है, तो हु की जगह पे हुम आएगा। मिस्टर ठक्कर लाइक्स द म्यूजिक, हु नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि म्यूजिक जो है वो, जो म्यूजिक है, म्यूजिक जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है,
वगैरह जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड आते हैं, बट म्यूजिक जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे हु की जगह पे क्या आएगा, विच आएगा, हु की जगह पे विच आएगा। मिस्टर ठक्कर लाइक द म्यूजिक हु विच हेल्प्स हिम, विच हेल्प्स हिम टू रिलैक्स। तो आगे स्टूडेंट देखोगे ए वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू, व्हाट अ मैन कैन डू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग जो है एवरीथिंग किसके अंदर आता है, एवरीथिंग है अपने इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, एवरीथिंग आ जाए नथिंग आ जाए, तो इसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, इसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, ना कि बट का। हालांकि कंडीशन बट की फॉलो हो रही है, बट एवरीथिंग आने पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। उसके बाद में आई डिड नॉट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, आई डिड नॉट लाइक, ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है बट की, क्योंकि क्या दिया हुआ है, उससे पहले वर्ब दी हुई है, एंटीसीडेंट में वर्ब है, तो वर्ब की कंडीशन फॉलो हो रही है। आगे देखो कि ब्रिंग मी द लेटर दैट द पोस्टमैन लेफ्ट, लेटर नॉन लिविंग थिंग है, दैट के लिए कोई खास कंडीशन यहाँ पे है नहीं, दैट के लिए कोई खास कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ना ही इसके अंदर कोई डिटर्मिनर है, ना ही इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री है, ना ही इसके अंदर कोई ना उसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे दैट ना आकर विच आएगा, दैट ना आकर विच आएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स द आंसर वेयर ही गेव इज नॉट राइट, तो वेयर आता है प्लेस के लिए, वेयर प्लेस के लिए आता है आंसर, आंसर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आंसर एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, विच रखेंगे, वेयर नहीं आएगा, क्योंकि वेयर जो है वो प्लेस के लिए आता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ अन्य एग्जाम्पल भी आगे हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 13th एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया हुआ, होम दिया हुआ, बट होम की कंडीशन जो है कम्प्लीट नहीं हो रही, होम से पहले ये तो चलो प्रोनाउन है, पूरी हो रही कंडीशन यहाँ पे, बट बाद में इसके सब्जेक्ट होना चाहिए, बट बाद में इसके सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब दी हुई है, वर्ब दी हुई तो किसकी कंडीशन फॉलो हो रही है, होम की कंडीशन फॉलो हो रही है, किसकी कंडीशन फॉलो हो रही है, होम की कंडीशन फॉलो हो रही है, होम यहाँ पे एरर है, होम यहाँ पे एरर है, सही क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। उसके बाद में देखोगे दिस इज द हाउस वेयर जैक बिल्ड, तो यहाँ पे हाउस के लिए स्थान के लिए क्या है, वेयर जरूर आता है, बट आगे कंडीशन देखोगे क्या है, आगे कंडीशन देखोगे क्या है, स्टूडेंट्स बिल्ड की सेकंड फॉर्म आएगी बिल्ड, सेकंड फॉर्म आएगी बिल्ड, तो इसमें देखोगे दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ड, विच आएगा यहाँ पे, वेयर नहीं आएगा, क्योंकि विच की कंडीशन फॉलो फॉलो हो रही है, यहाँ पे जो हाउस है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वेयर में आते हुए विच आएगा, वेयर में आते हुए विच आएगा। उसके बाद में दीज आर द फ्लावर्स विच पैटर्न्स सीम लवली, यहाँ पे विच पैटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे हूज पैटर्न्स आएगा, हूज पैटर्न आएगा, विच नहीं आएगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के लिए हम हूज का यूज करते हैं, कॉमन नाउन के लिए हम हूज का यूज करते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है। देन दिस इज द बॉय, यहाँ पे एंटीसीडेंट है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, और यहाँ पे फिर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के लिए हूम का यूज नहीं होगा, कॉमन नाउन के लिए हूज का यूज होगा, कॉमन नाउन के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट, इसमें हूम के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हूज का यूज करते हैं। दैट वॉज द ओनली बैग, ओनली आगे दैट वॉज द ओनली बैग, तो ओनली डिटर्मिनेंट के अंदर आता है, विच की कंडीशन हालांकि फॉलो हो रही है, पूरी हो रही है विच की कंडीशन, बट इस ओनली ने क्या किया है, इस विच की जगह पे दैट लाखड़ा कर दिया है। उसके बाद में दिस इज द रूम, दिस इज द रूम दैट आई स्टेड फॉर सम नाइट्स, तो दिस इज द रूम दैट आई स्टेड नहीं आएगा, वेयर आई स्टेड आएगा, क्योंकि रूम जो है वो किसको आइडेंटिफाई करवा रहा है, प्लेस को आइडेंटिफाई करवा रहा है, वेयर आई स्टेड सम नाइट्स, तो ये आ गया। उसके बाद में दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, दिस इज द होटल वेयर आई स्टेड इन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन आया, इन की वजह से यहाँ पर वेयर नहीं विच आएगा, इन के कारण यहाँ वेयर नहीं विच आएगा, अगर इसके पहले भी, इससे पहले भी इन होता तो भी विच आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन वाला रूल स्टूडेंट जब मैंने विच किया था तो मैंने एग्जाम्पल भी इसके करवाए थे। नेक्स्ट देखोगे वी वर्शिप गॉड विच इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो गॉड, गॉड ह्यूमन से रिलेटेड हम नाउन मानेंगे, इज वर्ब है, तो यहाँ पे किसकी कंडीशन फॉलो हो रही है, हु की कंडीशन फॉलो हो रही है,
ये कुछ 20 एग्जाम्पल्स हैं जो अपने पिछले कुछ एग्जाम्स से कैरी किए गए हैं, 20 एग्जाम्पल्स हैं जो पिछले एग्जाम से कैरी किए गए हैं। इनको ध्यानपूर्वक देखिए,